नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में मिली जीत को 50वें विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विजय दिवस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फोटो तक नहीं लगाया गया। 1971 के भारत बांग्लादेश युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दौरान 4 मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाया। इन मशालों को देश भर में घुमाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम को याद किया, लेकिन विवाद तो तब पैदा हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजय दिवस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो इस्तेमाल न होने पर सवाल उठा दिया। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस की आयोजित विजय सम्मान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस महिला ने 32 गोलियां खाई उसका नाम तक नहीं लिया गया, मोदी सरकार उनका नाम लेने में डरती है। देखा जाए तो बीजेपी और मोदी सरकार सेना के शौर्य को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन इंदिरा गांधी का जिक्र किए बगैर वो विजय दिवस मना रही है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश मुक्ति का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया था और उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के आम चुनाव में जगह जगह सैनिकों के शौर्य से जुड़े कार्यक्रम चुनावी फायदे में किए गए और नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना वाले बयान को खूब भुनाया गया। लेकिन अब बीजेपी का मानना है कि ये इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि सेना के शौर्य के लिए विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज चीन की सीमा पर घुसपैठ को लेकर रक्षा विशेषज्ञ लगातार सवाल उठा रही हैं। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार चीन का नाम लेने तक से डरती है, यानी कि कतराती है। बहरहाल अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता। आज इस मुद्दे पर तफसील से हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस की। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। और आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, अवनेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है महेश जी। महेश जी, आप सवाल इस बात को लेकर है कि विजय दिवस मनाया जा रहा है उस पर भी आप सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस कहती है कि विजय दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन उस शख्स को क्यों भूल गए जिसकी वजह से विजय दिवस मनाया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए जिन्होंने उसमें अहम भूमिका निभाई? महेश जी। नेहा जी, सर्वप्रथम तो मैं विजय दिवस पर जो है उन बलिदानों को नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर कहीं इंदिरा गांधी जी की आत्मा होगी और अगर वो ये सुन रही होगी तो उसको बड़ी ठेस लगेगी कि कभी उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं लिया। कभी ऐसे जो 4,000 हमारी हुतात्मा थे, जो अमर शहीद थे, जो 10,000 घायल सैनिक थे, उन्होंने अपने जीते जी कभी ये नहीं कहा कि मैं विजय दिवस की क्रेडिट और श्रेय जो है मुझे जाता है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको कभी इंदिरा गांधी जी ने कही है, नहीं कहा, और आज इन्हीं की एक राज्य सरकार ने जब इस विजय दिवस के रूप में जो है गहलोत जी आज इसको स्मरण कर रहे थे राजस्थान में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके क्रेडिट में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देता हूं। उन्होंने भी सूरवीरों को नमन किया। आज इन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जिक्र किया। कारगिल में जो हमारे शहीद हुए,
सैनिकों के बारे में बात करी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हुई है कांग्रेस में और राहुल गांधी जी में, तो इस बात के लिए वो माफी मांगे कि 2004 से लेके 2009 तक यही कांग्रेस सरकार ने जो है कारगिल विजय दिवस को नहीं मनाया। हमारे अभी वर्तमान में जो आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, लगातार उनके प्रयास और संसद में ये उठाते रहने के बाद बड़े भरे हुए मन से उस समय के रक्षा मंत्री एंथोनी साहब ने ये तय किया 2010 में आकर के कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाएगा। तो सैनिकों का अपमान करना, सैनिकों के बलिदान को भी अपने राजनीतिक कारणों से उसका श्रेय लेना, ठीक है, ये जो सगल है राजनीति में, ये ऐसा चेहरा जो है और ऐसा चरित्र जो है किसी भी भारतीय को ठीक है बर्दाश्त नहीं होगा, और ये समझ से परे है। ठीक है अलका जी, अब सवाल ये है कि विजय दिवस को क्या किसी पार्टी की उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए क्या? सबसे पहले तो मैं विजय दिवस के ऊपर भारत के उन सभी शहीद जो जवान हुए, अपनी कुर्बानियां दी उन्हें, बांग्लादेश में जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी उन सभी को श्रद्धांजलि, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा का नाम दिया था। वो महिला शक्ति के नेतृत्व में तीनों सेनाएं पूरी मुस्तैदी के साथ लगी रही, और इसी का नतीजा हुआ कि 93,000 पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाने पर मजबूर किया और बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया। रक्षा विशेषज्ञ की भाजपा की जबान जो है किसी भाजपा प्रवक्ता से भी निम्न स्तर की थी, जिस तरह से श्रेणी मुझे नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी कौन थी? मेरे घर की कोई आम महिला नहीं थी जिसका हम श्रेय की बात कर रहे हैं, उसका सम्मान की बात करें, क्योंकि उसने शहादत दी इस देश के लिए, कुर्बान हुई है वो, किसी बीमारी से किसी अस्पताल के बिस्तर पे दम नहीं तोड़ा है वो महिला। पहली देश की महिला प्रधानमंत्री होने के नाते 1997 में पाकिस्तान के टुकड़े किए, जिस पाकिस्तान को आज के प्रधानमंत्री लाल आंख करने की बात करते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं और पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर जांच का जो है न्योता देते हैं। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी सरकारों पर कि आज जब उसका जिक्र होता है तो राजनीति वो करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत रत्न, पहली प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में सेनाओं ने जीत हासिल की, उसका नाम लेते हुए इनकी जबान पे जो है वो छाले पड़ रहे थे, और एक रक्षा विशेषज्ञ उनका बचाव करते हैं। राजनीति से ऊपर उठिए, ये श्रेय कांग्रेस नहीं मांग रही है, कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं इस देश के लिए, और वो हकदार हैं, वो हकदार हैं चाहे वो कोई भी हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कारगिल का श्रेय दिया जाता और बालाकोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय लेने के लिए दौड़ते हैं, तो यहाँ तो उन्होंने कुर्बानी दी है। तो आज निम्न स्तर की राजनीति यहाँ जो कर रहे हैं उन शहीदों के लिए शर्म आती है, ऐसे रक्षा विशेषज्ञों पर बेहतर होगा, रक्षा विशेषज्ञ नहीं भाजपा प्रवक्ता रखकर अपनी ये निम्न स्तर की टिप्पणियां देंगे तो लोगों को गुमराह नहीं होंगे, लोग साफ दे पाएंगे। हमें गर्व है अपने जवानों पर और आज भी फख्र करते हैं, और सबसे बड़ी बात इन्हें अगर शर्म आ रही है रक्षा विशेषज्ञ को कहिए, आज राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया देश के राज्य रक्षा मंत्री से कि कितनी रिक्तियां हैं हमारी नौसेनाओं में, वायुसेना और सेना में, 1,22,555 पद खाली हैं, क्यों नहीं इन 1,22,555 पदों को भरा जा रहा है, क्यों खाली रखा जा रहा है, क्यों हमारी सेना की ताकत को कम करके ये धोखा देश की सरकार हमारे साथ कर रही है सरवर, ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि इन्हें भेजा गया है, टिकट चाहिए बता दीजिए उत्तर प्रदेश से या पांच राज्यों के चुनावों में, लेकिन देश की बात करिए, यहाँ पर राजनीति की बात नहीं हो रही। ठीक है महेश जी, जवाब देना चाहते हैं पहले महेश। लंबी चौड़ी ये भाषण देने वाली नेत्री कांग्रेस की, नहीं नहीं भाषण नहीं, आज आपको आईना नहीं, नहीं भाषण आप आपको आपका आईना दिखाना बेहद जरूरी है, आप शांति से सुनिए, आप देश के रक्षा विशेषज्ञ जो होते हैं ना वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, आपके घर के नौकर नहीं होते हैं, कोई मैडल घर के नौकर नहीं होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, तो बता देश के लिए लड़े हुए उनके सीने पे तगमा होता है, मेडल होते हैं, आप जैसे लफड़ी करने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर किसकी अपमान कर रही है पूछो ना जाके, अशोक गहलोत बोल रहे आपको शर्म की बात है, भाजपा का कांग्रेस बाहर की रास्ता दिखा देगी, दो मिनट में कांग्रेस जैसे बाहर निकाली थी वैसे ही बाहर के रास्ता दिखा देगी, है हिम्मत जाके अशोक गहलोत से पूछो ना कि आज उन्होंने कार्यक्रम का अपमान आप करेंगे, हम बर्दाश्त कर जाए
भारतीय हमें अरे इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया अशोक गहलोत ने? हम भारत रत्न अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? अलका जी सुन लीजिए, अपमान नहीं होने देंगे। महेश जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? हाय हिम्मत, इंदिरा गांधी जी तो हमारी विशेषज्ञ को नहीं नहीं रक्षा विशेषज्ञ के ऊपर जैसे सवाल इन्होंने खड़ा किया, एक ब्रिगेडियर की अपमान कर रही है, एक लेफ्टिनेंट जनरल की अपमान कर रही है, सरकार ने ये कैसी लेडी है कि आज विजय दिवस के ऊपर जो है शहादतों को कांग्रेस जो है अपनी राजनीति की वजह से दूसरे की ओछी बात करेंगे? देखिए माफी मांगनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, भाजपा के प्रवक्ता में इतनी माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगे, हमारे सैनिकों से माफी मांगे, राजनीति के अधिकारियों से माफी मांगे, इस बात के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों कम किया जा रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है, विनोद जी का रुख करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है अलका जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ठीक है विनोद जी को कम किया। विनोद जी इस बीच आज अगर हम देखें, आज पाकिस्तान हावी होने की कोशिश भारत पर करता है और ऐसे वक्त में विजय दिवस की प्रासंगिकता को आप कैसे देखती हैं, खास तौर पर जब पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना हमेशा भारी पड़ी है? जय हिंद नेहा जी, एंड सबसे पहले नमन उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे, और मैं दो प्रवक्ता हैं यहाँ दोनों बड़ी पार्टीज के, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए चार चीजें ऐसी होती हैं खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में जिन पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर भारतीय सेना एक अपोलिटिकल आर्मी है, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं डिफेंस हेल्थ एजुकेशन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी जिन पे कोई दलगत सियासत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज भारत अगर गर्व से सीना उठा के चलता है या आज हम उस युद्ध के रण कौशल या उसकी विजय का हम जश्न मना रहे हैं तो वो उन वीर सपूतों की कुर्बानी है जी। जिनकी वजह से आज भारत का जो युद्ध है 1971 का वो एक टेक्स्ट बुक वॉर की तरह पढ़ा जाता है और सारी दुनिया में उसको पढ़ाया जाता है। आप ये देखिए जो आर्मीज पॉलिटिकली इंक्लाइंड होती हैं, अगर आप पाकिस्तान का रुख करें तो वहां जो सियासतदानों की हालत है, जो वहां पॉलिटिकल लीडर्स की हालत है, वो बद से बदतर होती जा रही है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय सेना किसी पार्टी को न वो सब्सक्राइब करती है न उनका वो करती है। रही बात 1971 के लड़ाई की, 1971 की लड़ाई देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है जिसने सबसे ज्यादा सैनिक अधिकारी इस देश को दिए हैं। मेरे फादर खुद 1962, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाई में थे कारगिल में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का 1971 के बाद हुआ, श्रीमती गांधी का जो योगदान रहा है इस युद्ध में उसको बिल्कुल भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि देखिए उस समय की जो लीडरशिप थी, जनरल मानेकशॉ जो उस समय सेनाध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि श्रीमती गांधी इलेक्शन लड़ाई करना चाहती थी या भारत से ये चाहती थी कि हम अप्रैल मई में इस ऑपरेशंस को लॉन्च करें, और जनरल मानेकशॉ ने वो उनको स्वीटी के नाम से पुकारा करते थे और उन्होंने कहा था कि स्वीटी वी कैनॉट लॉन्च दी ऑफेंसिव नाउ क्योंकि ना ही हमारी अभी सेना तैयार है, दूसरा ये कैंपेन सीजन नहीं है, और तीसरा जो ईस्ट में नदियां हैं वो बिल्कुल समुद्र का रूप धारण कर चुकी हैं। तो उन्होंने श्रीमती गांधी ने काफी उनपे थोड़ा सा उनका रुख थोड़ा सा कड़ा हुआ जी। तो सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यू वांट माय रेजिग्नेशन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, और दूसरे दिन जब श्रीमती गांधी ने उन्हें बुलाया तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके गए थे और उन्होंने ये समझा कि श्रीमती गांधी ये कहेंगी कि आपकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय की जो लीडरशिप थी, उस समय के जो मिलिट्री लीडर्स थे उनमें भी इतनी कुव्वत और इतना अदम्य साहस था कि उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को बता दिया और उन्होंने ये कहा था कि अगर अक्टूबर के बाद जब भी लड़ाई होगी मैं आपको ऐसी जीत दिला के दूंगा कि पूरा विश्व उसको याद रखेगा और वो ऑपरेशन एक टेक्स्ट बुक वॉर की तरह सिखाया जाएगा। और वही हुआ
16 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने जब हथियार डाले तो 93,000 सोल्जर्स, और देखिए इतना बड़ा सरेंडर आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और वही एक दिन है जब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए और पाकिस्तान के बिल्कुल ये सबक सिखा दिया। आज भी उनकी जो मिलिट्री एकेडमीज में है वहां ये कसम दिलाई जाती है पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को कि हमें सन 71 का बदला लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देखिए जिस किसी के भी अचीवमेंट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या कुछ हो, ये सब दल गति से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि सैनिक का जो धर्म है वो शौर्य है, अदम्य साहस है, वो मातृभूमि की सेवा है। जी। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इतना मुकद्दस दिन है, ये डिबेट का विषय है, दंगल का विषय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अवणेश जी। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि 1971 विजय पर सदन में पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने दुर्गा की तरह कार्य किया है, दुर्गा का कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान दिया था, और ये उस जमाने का राजनीतिक स्तर हुआ करता था जब वाजपेयी जी थे, जब इंदिरा जी थी, और आज के जो नेता हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सर किस तरह से इसे देखते हैं और क्या इस दलगत राजनीति से अब ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, खासकर जब इस तरह का मौका हो, खासकर जब हम विजय दिवस की बात कर रहे हो, खासकर तब जब हम पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उसकी बात करते हैं कि जब हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, उस जीत की बात करते हैं, जब हम उस बात को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं, सोचते हैं, तब भी हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। उस पर भी आप राजनीति अगर होती है, इसे किस तरह से आप देखेंगे अवणेश जी? सर्वप्रथम नेहा जी, हमारे जो सैनिक हैं वो राष्ट्र प्रेम, उनका बलिदान ही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति का उदाहरण है। जी, जी। आज की तारीख में अगर सेना ना हो और सेना में भारत माता की प्रति समर्पण की भावना ना हो तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी उस वक्त समय का नायक या प्रधानमंत्री इस चीज को अचीव नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अब बात आई आती है कि क्या यहाँ पे इन चीजों को दो तरीके से देखना चाहिए। भाजपा ने शौर्य विजय दिवस को पूरी धूमधाम से मनाया, उनकी शहादत को याद किया और सारी कुर्बानियों को याद करते हुए यह जताने की कोशिश की, पाकिस्तान को जवाब दिया कि हमारे सैनिक ही सब कुछ हैं, हमारे लिए सत्ता आनी जानी है, सत्ता में कोई भी रहे लेकिन हमारा सैनिक ही सबसे नंबर वन पे रहे। जी। ये सैनिकों के गर्व को और ऊपर करने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सवाल आता है इंदिरा गांधी को याद करना न करना, ये अपने अपने सबके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चाइना के साथ हम हारते हैं तो क्या उस हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए क्या हमेशा नेहरू जी को कोसते हैं? नहीं कोसते ना, लेकिन उन चीजों को याद करते हुए क्यों हम करें? सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को इस समय सिर्फ इसलिए कांग्रेस उठा रही है क्योंकि यूपी चुनाव है, आने वाले समय में 5 चुनाव होने, कोई न कोई इन लोगों को कोई न कोई मुद्दा चाहिए जिससे कि राष्ट्र प्रेम पे ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं कि क्या वाकई चुनावों के मद्देनजर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है? अरुणेश जी का अपना नजरिया होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। अरुणेश जी को लगता है कि कांग्रेस या यूपी में यही एक मुद्दा रह गया है जिसे हम बनाना चाह रहे हैं। अरुणेश जी को कहिए, आज अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, थोड़ी जानकारी भी दुरुस्त कर लिए। आज सबसे बड़े मुद्दे देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ, जो शहीद हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर बर्खास्तगी का, आप समझ रहे हैं? तो आपको लगता है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे कांग्रेस के पास है या नहीं आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के सामने आज खड़े हुए हैं 5 राज्यों में, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी उसे उठाइए, डरो मत। ये राहुल गांधी जी का नारा है, डरो मत,
पत्रकारों से भी कहूंगी, जिन पत्रकारों ने हिम्मत करके अजय मिश्रा से सवाल किए कि आपके बेटे पर SIT की रिपोर्ट में आता है कि उन्होंने इरादतन हत्या की हमारे किसान और एक पत्रकारों की, उसको सलाम करती उस पत्रकार को जिसने हिम्मत की, उसको मोबाइल छीन लिया। अलका जी इस बात को बताइए, हिम्मत आप भी दिखाइए। अलका जी, अगर आप कहते हैं कि 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है और उन वीर जवानों को जाता है जिन्होंने शहादत दी, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, मैं यहाँ किसी को श्रेय देने की बात नहीं कर रही। आज इंदिरा गांधी जी हमारे बीच में नहीं रही, शहीद हो गई। मैंने कहा किसी बीमारी से, किसी अस्पताल में दम नहीं तोड़ा, शहीद हो गई। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न रही हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, वो हम कह रहे हैं, बस इससे ऊपर कुछ नहीं कह रहे। वो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही मात्र, है ना। आज इनको मिर्ची लग रही है एक महिला के प्रति। आपको लगता है कि सेना में अगर एक लीडरशिप अच्छी होती है, अगर तब सेना बहुत बेहतर तरीके से काम करती है, उनका जो मनोबल है वो बहुत ऊपर होता है, जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर भी रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तो प्रधानमंत्री की लीडरशिप भी बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छा काम सैनिकों ने किया? लीडरशिप, मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, लीडरशिप बहुत मायने रखती है। लीडरशिप अगर होती तो गलवान वैली में लीडरशिप ये ना कहती, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, और 20 जवान शहीद हो जाते हैं। लीडरशिप अगर होती तो पठानकोट में ISI को बिठाकर हमारी जांच नहीं करवाते और उसका नतीजा सिफर नहीं होता। अगर लीडरशिप में दम होता तो आज चीन में हिम्मत नहीं होती कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा ले और यहां प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे। ये लीडरशिप की कमजोरी है कि आज 1,22,505 पद सेना में खाली पड़े हुए हैं। सेना को ताकत देने के बजाय कमजोर ये सरकार कर रही है। बिल्कुल लीडरशिप का रोल रहता है। 1971 50 साल पहले और 50 साल के बाद आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। सर्जिकल स्ट्राइक का एक महिला श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को या नहीं जाता? मेरा सीधा सा सवाल है, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। श्रेय मैंने दिया ना, गलवान वैली हो, पठानकोट हो, असम, पूरा अरुणाचल में चीन की घुसपैठ हो, ये सब प्रधानमंत्री जी की कमजोरी और कायरता मैं कहूंगी। खामोश है, कोई घुसा नहीं करके पूरा चीन घुसा दिया है। बिल्कुल मैं कहूंगी सब बातों का जो है पूरे तरीके से प्रधानमंत्री जी की कमजोरी को मैं जिम्मेदार मानती हूँ। महेश जी, जवाब दीजिए इसका। हाँ, जिस तरह से अलका लंबा जी आज भाजपा की कोई प्रवक्ता नहीं है आपके चैनल में, जस्ट पूछ रही हूँ अपनी जानकारी के लिए। रक्षा विशेषज्ञ महेश जी भाजपा के प्रवक्ता है, जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आपने रक्षा विशेषज्ञ लिखा हुआ इसलिए। नहीं, उसके ऊपर अगर आप पढ़ती अलका जी तो आपको समझ नहीं, तो रक्षा विशेषज्ञ मत लिखिए ना, लोग गुमराह हो जाएंगे। मेरा निवेदन है, नहीं, जैसे मैं आपने पढ़ा नहीं होगा, उन्हें भाजपा प्रवक्ता लिखिए। आप अपने बिल्कुल सिधाई में देखेंगे ना, जहां आपकी विंडोज के साथ में ही एक विंडो और है, उसमें महेश जी हैं और ऊपर लिखा हुआ है। अब ये कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, गुमराह नहीं होना चाहिए अलका जी। अभी कुछ भी बोले अब फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है महेश जी, चलिए धन्यवाद आपका कि आपने जो रक्षा विशेषज्ञ के नाम पर अपमान की भाषा, अपमानजनक भाषा बोल रही थी, उसके ऊपर आप है नहीं ना, आप तो मान लीजिए, आप लिखिए मत। आप रक्षा विशेषज्ञ होते तो आप रक्षा पे बोलते, जैसे हमारे पूर्व सैनिक ने अभी बोला है कितना 1971 के बारे में, सैनिक हमारी पूर्व सैनिक ने आपको सम्मान दिया, परिवार के नाम पर गिनीज, उस पूर्व सैनिक ने आपको सम्मानित किया, सलाम उन्हें और उनके परिवार को और उनके घर के एक सदस्य को सलाम। आप अपनी बौखलाहट से नहीं, बौखलाहट तो आप नहीं, इंदिरा गांधी जी का नाम सुनते ही सुनिए, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी को अभी आपने कहा ना कि अटल जी ने कहा था कि वो दुर्गा हैं, उसी इंदिरा जी की कांग्रेस ने क्या किया अटल जी के साथ, कितना बड़ा अपमान किया। 2004 से लेकर 2009 तक सिर्फ अटल जी की वजह से कि कारगिल विजय दिवस में अटल जी का नाम आता है इसलिए नहीं मनाया जाएगा, कितनी शर्मसार करने वाली बात है, कितनी मतलब ये कितना अपमानजनक बात है। नहीं तो आपने सभी को मार्गदर्शन मंडल में क्यों डाल दिया? अडवाणी होने से पहले एक भारतीय होने के नाते हम और आप, अडवाणी नाम जी के एक शख्स थे जो आज की रात के बीच में, और धैर्य के साथ अपमान भाजपा क्यों कर रही है? आप थोड़ा सा अलका जी सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब जवाब दीजिएगा। रखिए अपनी बात, आपसे हाथ जोड़ के अटल जी का अपमान की बात कर रहे हैं, अडवाणी जी को भूल जाते हैं आप। अरे भाई, मैं आप अडवाणी जी पे शिफ्ट हो जाइएगा, आप महंगाई पे शिफ्ट हो जाइएगा, जो मुद्दा है उसके ऊपर मुद्दा है, मुद्दा मैंने वो चीज आपको रेखांकित किया जिससे आपको मिर्ची लगेगी। कांग्रेस मिर्ची तो आपको लग रही है, देश का आप गड्ढे में ले, और आपको भी शर्म आनी चाहिए आप जिस धर्म की आड़ में, आप जिस चीज के लिए आप कह रही हैं, और आपके नेता जो कह रहे हैं ना,
उस चीज के लिए आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते हो। नहीं, हमारे नेता ने बताया होता सभी। दूसरी बात सुनिए नेहा जी, मैं अब आपको मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नेहा जी, हम सबने, हम यहाँ जितने भी लोग हैं बचपन से माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक हम कविता पढ़ते यार, उस समय इस कविता को हम सिर्फ रटते थे, लेकिन समझ आई जब थोड़े से समझदार हुए। वो उनकी एक कविता की जो पुष्प की अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, आपको याद होगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी बालक की विध में प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़े और भाग्य पे इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर तीस चढ़ाने जाए वीर अनेक। आज जब इसको एहसास होता है ना तो आदमी भावुक हो जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं कि उस कविता वो जो जिस पथ पे अपने शीश चढ़ाने के लिए निकले, वो पुष्प भी ये सोचता है कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए किसी और चीज का। और आज हमारे देश के नेता उन बिन सैनिकों के शहादत का श्रेय लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी दादी जी, अगर राहुल गांधी की दादी नहीं होती वो, तो वो उनका नाम नहीं लेते। आपके नजरिए में वो किसी की दादी, माँ, बहन, इंदिरा जी की शहादत को, इंदिरा जी की आबादी के लिए वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न और वीरता की, उन्होंने कभी अपने आप ही शहादत देने वाली देश की एक साहसी महिला, उसका अपमान नहीं होने देंगे। भाजपा की महिलाओं, विनोद जी ऐसे युद्ध में जब हम 1971 का युद्ध की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, या फिर किसी और ऐसे युद्ध की बात करते हैं जब भारत की तरफ से एक्शन किया गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, लीडरशिप उस वक्त कितनी इम्पोर्टेंट होती है सर, कितने महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, कौन सी सरकार है, उसका मुखिया कौन है, ये कितना महत्वपूर्ण उस वक्त हो जाता है जब कोई भी इस तरह का कदम सेना की तरफ से उठाया जाता है। देखिए, लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो काफी महत्व रखती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं कि देखिए, सेना में हमेशा काबिलियत रही है, सेना में वो कुवत है, सेना में वो कैपेबिलिटीज हैं, सेना में वो साहस है कि वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और भारतीय सेना एक ऐसी चुनिंदा सेनाओं में से है जो मिशन ओरिएंटेड है, जिसके यहाँ दो ही आपके पास बाइनरी चॉइस हैं, या तो विजय या वीर गति। तो भारतीय सेना का जो सैनिक है उसको, उसके अंदर ये कूट कूट के उसको इस तरह से फॉर्मेट किया जाता है कि उसे छाती पे गोली लेनी है, पीछे नहीं गोली उसको लेनी है। तो भारतीय सेना में इस तरह की कोई कमी नहीं है। ये लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत जरूरी है। आपको मैं फिर 1971 की युद्ध के उसमें ले जाता हूं। बाबू जगजीवन राम उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और बाबू जगजीवन राम एक बहुत ही बढ़िया ओरेटर थे, और उन्होंने फ्रंट पे जाके, क्योंकि ये गाथाएं मैंने अपने फादर से सुनी हैं जो खुद उस सेना, उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और सेना में एक बतौर जनरल रिटायर हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लीडरशिप बहुत जरूरी है। अभी आप अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए, हर दिवाली उन्होंने सैनिकों के साथ मनाई है। तो इस तरह की जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो लीडर्स में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, भारत में अगर किसी चीज की कोई कमी है तो मैं बड़े, मतलब विदाउट कास्टिंग एनी एस्पर्शंस ऑन एनी पर्सनालिटी, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल विल है, चाहे आप आतंकवाद लीजिए या चाहे आप कोई भी लीजिए, उस चीज का खात्मा किया जा सकता है। पंजाब एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है उस पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमारे यहाँ जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसकी कमी देखी जाती है। वो कहते हैं ना कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। भाई आप मुझे बताइए, चीन को इतना कोई बड़ी तोप थोड़ी है। चीन हम लोग कहते हैं कि साहब चीन के पास इतने जहाज हैं, इतने सैनिक हैं, लेकिन चीन की भाई सारी सेना हमारे खिलाफ थोड़ी अप्लाई होगी। उसने कम से कम 14 देशों से पंगे ले रखे हैं, 14 देशों से उनका विवाद है, तो वहां के लिए भी तो उसे कुछ सेना देखनी पड़ेगी जी। और देखिए, सेना में सबसे बड़ी चीज होती है मैन मटीरियल और मोराल। हमारे यहाँ वीर सैनिकों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मोराल की कमी नहीं है।
लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का मटेरियल है, जिस तरह के इक्विपमेंट है, अगर वो मुहैया करा दिया जाता है सेना को, तो सेना कोई भी असंभव कार्य कर सकती है। सर, इस युद्ध में राजनीतिक वर्ग की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, सभी ने मिलकर एकजुट होकर इस युद्ध में भाग लिया, और ऐसे में आज के दौर में क्या आपको लगता है कि वो तालमेल नहीं है जो उस वक्त हुआ करता था? नहीं नहीं नेहा जी, पहले की तुलना में तालमेल की बात जहां तक हम करें तो बेहतर हुआ है, और भारतीय सेना की मजबूती अब किसी से छुपी हुई नहीं है। अब यही कारण है कि पाकिस्तान अब पहले की तरह न तो गिदर भभकी दे पा रहा है, न वो कुछ बोल पा रहा है, उसका खामोश हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक ने उसे बेबस कर दिया है। और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पूरे विश्व ने देखा है, तो उसके बाद से चाइना जैसा देश भी आंखों में भले ही वो जो कुछ भी करे और शरारत करे, लेकिन उसकी अब हिम्मत ये नहीं है कि वो पहले की तरह डायरेक्ट हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए, युद्ध थोप दे हमारे ऊपर। तो और सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान में होगा कि अब से पहले हम ये सुना करते थे कि भारतीय फौज के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, जूतों की कमी है, तो इस तरह की अब खबरें आने बंद हो गई है। तो कहीं न कहीं जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत उपकरण जो हमारे सैनिकों को चाहिए, वो उन सारी चीजों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, और पूरी ही नहीं हो रही है, बल्कि हम अत्याधुनिक रूप से शस्त्रों के मामले में कई देशों से हम इतने ज्यादा समृद्ध हो गए हैं कि अब मैंने कि हमारी गन्ना वाकई जो है ना विश्व स्तर पे एक महाशक्ति। ठीक है सर, मैंने राजनीतिक वर्ग का जिक्र इसलिए किया था कि पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि एक हिंदू और एक हिंदुस्तानी की तरह आगे बढ़ा जाता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो रस्साकसी चलती है, इसका असर कहीं ना कहीं आगे भी देखने के लिए मिलता है। और अलका जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, ये हमने देखा जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सबूत मांगे गए कि जी एयर स्ट्राइक हुई है तो वो सबूत दिखाइए हमें, तो सबूत कहाँ है? तो इस तरह की जब चीजें होती है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं छवि को खराब करती है, सेना की छवि पर कहीं ना कहीं बट्टा लगाती है, ये सब चीजें होनी चाहिए क्या? देखिए, मैं क्या सबूत मांगे, पारदर्शिता होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों ये सवाल उठे लोकतंत्र में, इस सब का जवाब तो मिला नहीं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र सवाल उठेंगे जब पारदर्शिता नहीं रखी जाए। नहीं नहीं, ये सब चीजें एक सरकार पे बट्टा लगाती है या फिर सेना की शौर्य, उसके वीर और उसके उसकी उसकी जो पराक्रम है उस पे बट्टा लगाती है। बारी बारी सेना, सेना का शौर्य, उनकी शहादत को राजनीति में मत घसीटिए, वो बिल्कुल अलग रखिए। उनकी साहस, उनके शौर्य, उनकी शहादतों को सलाम है, उसमें कोई हमारा विवाद नहीं है। लेकिन सरकार, सरकार आज बजट कम कर रही है, सरकार सेना संख्या कम कर रही है। अगर हम कहेंगे 1,22,000 भर्तियां भरनी है, तो सेना को नहीं भरनी है, इसको भरनी है, देश के रक्षा मंत्री को भरनी है, जिन्होंने आज राज्यसभा में कहा खाली पद है। अभी हमारे सेना के जवान ने कहा आपको आधुनिक हथियार चाहिए, आपको नहीं दिए जा रहे हैं। सेना के अंदर वायु सेना ने अभी मुरली मनोहर जोशी जी का पढ़िए 2018 में संसदीय समिति में कहा कि पूरे बजट का 1.57% रक्षा पे खर्च किया जा रहा है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? आपके अपने खर्चे तो जवाब ले लेते, जवाब ले लेते हो, जवाब ले लेते हो। विनोद जी, विनोद दत्ता जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अलका लामा जी कर रहे हैं, आपने कहा कि आधुनिक हथियारों की जरूरत है जवानों को, क्या पहले की तुलना में आज बेहतरी की तरफ सेना आगे बढ़ रही है, सरकारों की तरफ से और ज्यादा फंड दिया जा रहा है, आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं या फिर नहीं दिए जा रहे? आज कितना बजट बढ़ाया ये बता, एक सेकंड अलका जी विनोद जी को बोलने दीजिए, विनोद जी बताइए। देखिए नेहा जी, जिस तरह की इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी अब है,
वो पहले से कहीं बेहतर है जी। लेकिन जिस तरह का टैक्टिकल बैटल एरिया आप देखें, तो जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन, जिस तरह का इक्विपमेंट प्रोफाइल एक सैनिक को चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट भी आजकल इतना जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, बिकॉज आपका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो आपके जो इक्विपमेंट पॉलिसी है उससे डिक्टेट नहीं होता, वो उससे डिक्टेट होता है कि आपके एडवर्सरी या आपके खिलाफ कौन सी सेना है, उसके पास कैसा इक्विपमेंट है, तो वो जरूरी है। दूसरी चीज आप देखिए कि कई साल हो गए हम लोग हमेशा रिएक्टिव रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार रही हो सत्ता में, हम लोग रिएक्टिव रहते हैं। देखिए आप ये नहीं कर सकते कि कल आप किसी पहलवान को बुलाएं और उससे कहें कि यार तुमको अभी अगले महीने कुश्ती लड़नी है, ये 5 किलो घी है, ये 10 किलो बादाम है, खा के कल आप पहलवान बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जिस तरह का हमारा जो इक्विपमेंट, जो हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है, वो हमारे यहाँ अब आजकल हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं। आप ये देखिए, हम 2 फ्रंट की बात करते हैं, 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए एयरफोर्स में, हम 30 पे आके खड़े हो गए हैं, 30 स्क्वाड्रन तो पाकिस्तान के पास भी है, तो हम कैसे मतलब इस इक्विपमेंट जो डेफिशिएंसी है या जो वॉइड्स है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। आप देखिए, एक रफाल को लेके हम काफी चर्चा रही, लेकिन आपको अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी। आपका देखिए जो MiG-21 है, MiG-27 है, या जो बाकी मिराज का जो फ्लीट है, वो अगले आने 2024 तक वो आउटडेटेड या फेज आउट हो जाएगा, तो हमें उसका जो फेजिंग आउट है उसको एक पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग करके उसको करना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको, जो राइफल होती है, हम एक राइफल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आप ये देखिए, इंसास हमने प्रोड्यूस किया, वो कारगर नहीं हुई। आज पुतिन साहब आते हैं और AK-203 का हम उनसे करार साइन करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें अपनी एक इस तरह की, और भारत में देखिए किसी कोई विद्वानों की कमी नहीं है, कोई साइंटिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं जब तक इसको ये सीरियसली नहीं लेंगी, क्योंकि अगर ये जो सेना का जो मनोबल है वो तभी बढ़ेगा जब आप उसको इक्विपमेंट देंगे, आप उसको लड़ने की शक्ति देंगे और क्षमता देंगे। ठीक है सर, एक सवाल और, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि मनोबल बढ़ाने की बात जब होती है तो जाहिर तौर पर सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब उनसे सवाल ये पूछ लिए जाते हैं, सरकार से पूछे जाते हैं भले ही कि जी अगर आपने कोई स्ट्राइक की है तो उसका सबूत दीजिए, ये सेना के मनोबल को घटाता है, बढ़ाता है, या कोई इफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल देखिए, ये तो देखिए, जब कोई इस तरह की नेशनल कॉज के लिए इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं, हम रहे हैं और इस तरह के ऑपरेशंस अक्रॉस द बॉर्डर किए भी जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से ड्रॉइंग रूम में या स्क्रीन पे इस तरह की स्ट्रेटेजी डिस्कस करना, ये इससे हमें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, जब कोई सरकार या विपक्ष में लोग रहते हैं, अगर वो इस तरह के जो सबूत मांगेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो भारतीय सेना है वो मिशन ओरिएंटेड है, हमारे यहाँ हर आदमी नाम नमक और निशान के लिए लड़ता है, वो ये नहीं लड़ता कि साहब मुझे कोई तमगा मिलेगा। जी जी जी, तभी कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे लिए तो मैंने अगर आज ये सर पे टोपी पहन रखी है तो ये एक गर्व गौरव और सम्मान की बात है, ये हर एक के नसीब में नहीं आती है। जी बिल्कुल, तो ये एक ऐसा प्रतीक है। आप ही देखिए, आज मेरे नाम के आगे ब्रिगेडियर लिखा है तो वो मेरे साथ ही जाएगा। जी, तभी कहते हैं ना कि सेना में रैंक रिटायर नहीं होता। जी जी, सैनिक अधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जो कभी सस्पेंड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। महेश जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई मोदी सरकार कार्य करती है तो उसको भुनाने की कोशिश भी करती है? क्योंकि पहले भी एयर स्ट्राइक होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, लेकिन जितनी स्ट्राइक इस बार मीडिया में आई या फिर इतनी ज्यादा इसको तवज्जो दी गई, इसको उठाया गया, भुनाया गया, इससे पहले भी तो सर स्ट्राइक होती रहती थी, जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे, वो तो मीडिया में नहीं आती थी। बिल्कुल नेहा जी, हमसे ज्यादा किसी की चीख पुकार निकली जो अभी सवाल आपने उठाया कि भाई हमें सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिया जाए, खबर वहां से बनी, मीडिया वहां से, मीडिया का जो है ट्रायल शुरू हुआ।
अब रही बात की जो आज अलका जी कह रही हैं और जो सवाल उठा रही हैं कि भाई ये कमी वो कमी, आज संसद चल रहा है, इनके नेता संसद सदस्य हैं और अच्छा होता कि विजय दिवस के दिन जो है कुछ पूछते, कुछ जानते इस देश पूछा ना, उसी का तो जवाब मिला। देश में कभी पड़े बड़े का तो जवाब लिया। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है सर्जिकल स्ट्राइक का, वो 1971 का जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी को क्यों ना जाए, और देने में क्या गुरेज? पिछले 2004 से लेके 14 तक 10 साल में 1200 सैनिक शहीद हुए। आज तक बता दें अलका लंबा कि एक बार भी राहुल गांधी ने किसी आदमी को आपने पुलवामा मतलब जाके पुलवामा में छोड़ दीजिए 350 किलो RDX आया जिसका 19 में प्रचार और प्रसार में राजनीति प्रधानमंत्री के सेनाओं के साथ का सर्जिकल स्ट्राइक हुई सेना के जवानों को, वो प्रधानमंत्री अलका जी अभी अलका जब उस तरह का परिवेश नहीं, मुझे आप देशभक्ति से उनका कोई लेना बेनकाब करूंगी, वो इसी तरह का बयान और इसी तरह की अपनी संवेदनाओं को जो है हमारे प्रधानमंत्री देश के सामने और डिग्री का भी नहीं मालूम असली है, लोगों को इसी तरह से अपमान करते रहेंगे और ये बता रहे थे कि रडार कब आओगे और कब नहीं आएंगे। बिल्कुल सेना के शौर्य पर, उनके पराक्रम पर जाहिर तौर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर कोई राजनीति करता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरह का युद्ध हुआ है 1971 की अगर हम बात करते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, जाहिर तौर पर उसका श्रेय किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी मुखिया को देने या फिर प्रधानमंत्री को देने के बजाय सेना को दें वो ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे जो पैनलिस्ट है, उनका हक ही है, बिल्कुल उनको भी ये चीज समझनी चाहिए और देश की जनता भी बखूबी जानती है कि आखिर कब किस मुद्दे को क्यों उठाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और उस पर कैसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। लिहाजा जनता सब जानती है और इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।